हल्द्वानी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देने की बात कही। बीते दिनों साउथ अफ्रीका के गाना में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की बैठक में प्रतिभाग करने पहुंचे अजय भट्ट ने कहा कि 9 देशों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है और यह नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व में अपनी जगह अलग बना रहा है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश की कमान संभाली तो तब से हम हर जगह मजबूती के शिखर को छू रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की जो हमारी, मैंने ये मफलर भी उसी का पहना है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, ये मैंने वहीं का, ये हमको मिला है, ये हमारा है, इधर इंडिया लिखा है भारत का। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ और नैनीताल क्षेत्र और उधम सिंह नगर क्षेत्र दोनों जिलों की जनता की मैं बहुत ज़्यादा हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे चुन के भेजा, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी टीम में लिया और उसके बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर मिला है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है और मुश्किल से 9 देशों को लिखा हुआ था, उसमें से भी 6-7 देशों को मौका मिल पाया, जबकि एक बहुत बड़ी संख्या में देश वहाँ उपस्थित थे, 84-85 देश तो उपस्थित वहीं पर थे, बाकी आने में थे लगातार।